कपूर का, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हम गरीब नहीं रहेंगे, गरीबी के दलदल से निकलेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और मेरे किसान भाइयों, तुम भी चिंता मत करना, किसानों के लिए जो कुछ किया भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप बताओ, कांग्रेस ने कभी सड़कें बनवाई थी क्या? गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा के गड्ढम गड्ढा, मर जाते थे कांग्रेस के राज। आज चारों तरफ सड़कों का जाल है, लेकिन अब किसानों के खेतों तक भी सड़क पहुंचाएंगे, खेत सड़क बनाएंगे ताकि किसान खेत में आसान से पहुंचे। और किसान भाइयों, पीएम सम्मान निधि मिल रही है, सीएम की भी मिल रही है, 6 पीएम साहब दे रहे हैं। तो मैंने कहा, 6 तू भी दे रहे शिवराज? हाँ, चक्कर में पड़ा है। तो 12,000 रुपया साल तो दे रहे हैं, 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारा गेहूं 2700 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा, धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। मैं किसानों की मेहनत की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, जनता की बेहतरी के लिए हूं। किसान की भी जिंदगी बदलेंगे। और मेरे बेटा बेटियों, तुम भी चिंता मत करना रे, छोटे छोटे बच्चे सवेरे ये घबरा रहे थे दुर्गा लाल विजय, मैं इनका टाइम पे निकल जाऊं, बोले इतने सवेरे जनता नहीं आएगी, इतने सवेरे जनता नहीं आएगी। अरे मैं इनका मामा जहां जाएगा, वहां मामा के बहने भाई और भांजे भांजी तो आएंगे ही, चिंता मत करो। मेरे बेटा बेटियों, मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारे इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, इसलिए सुन लो। बच्चों के लिए जरा जरा से बच्चे माँ की गोद में ही उछक उछक के कहते हैं मामा ओ मामा, उनको पता ही नहीं कि सीएम क्या होता है, ये भी नहीं जानते कि सीएम कुछ दे सकता है। वो तो ये जानते हैं कि दुबला पतला भी अपना मामा है यार। इन बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद होने दो। अभी मैं श्योपुर में या बड़ौदा में उतरा तो कुछ बच्चे चिल्लाए मामा आई लव यू, तो मैंने भी कहा आई लव यू टू। ये मेरे बच्चे हैं। और मेरे बच्चे बच्चों, मैं तुम्हारे सपनों को मरने नहीं दूंगा, तुम मेरे कलेजे के टुकड़े हो। और इसलिए हमने तय किया है कि बच्चों की पहली चीज बेहतर शिक्षा की व्यवस्था। और इसलिए अब हम सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, सीएम राइज स्कूल। यहां कहां बन रहे? बड़ौदा में भी बनाऊंगा, एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, लैब लाइब्रेरी स्मार्ट क्लास प्लेग्राउंड, बस लेने आएगी बस छोड़ने जाएगी। ये जो अधकचरी व्यवस्था थी मेरे बेटा बेटियों, अमीरों के बच्चों के लिए अलग शिक्षा प्राइवेट स्कूल और गरीब और किसानों के लिए अलग व्यवस्था, इस व्यवस्था को बदल दूंगा, प्राइवेट स्कूल से अच्छे स्कूल बना के दूंगा अपने बच्चे। और केवल बड़ौदा में नहीं, हमारा नेतृत्व यहां बैठा है अध्यक्ष जी, महावीर जी, दुर्गालाल जी, इस विधानसभा में श्योपुर बड़ौदा में 10 सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। हर 25-30 गांव के बीच में एक बेहतर स्कूल। और शिक्षा पूरी होगी, शिक्षा होगी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस के आने जाने का किराया भी नहीं देना, मामा भरवाएगा, चिंता काय को करते हो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और मेरे बेटा बेटियों, अगर तुम अच्छे, बेटा भी समय कम है, बात बात करता हूं कई जगह जाना है मेरे बच्चों। अभी मेरी बात कर लेने दो, रेल का बाद में देखेंगे केंद्र सरकार से। मेरे बेटा बेटियों, तुम अच्छे नंबर लाते हो तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, और अच्छे नंबर लाते हो, और अभी तक 75% पे लैपटॉप दे रहे थे, अब 60% नंबर लाओगे तो भी लैपटॉप दिया जाएगा। और अच्छे नंबर लाओगे, नंबर 1, 2, 3, 4 क्लास में आओगे
तो मामा स्कूटी दिलवाएगा स्कूटी, कांग्रेस ने तो साइकिल तक छीन ली थी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित